नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ रश्मि पांडे। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। झांसी के मोट वन विभाग के गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष महेश कश्यप का समाजवादी कार्यकर्ता द्वारा फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्र पंचायत सदस्य वीरू यादव द्वारा वन विभाग में किया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुझे झांसी जिले के जिलाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है और मैं समाजवादी पार्टी के लिए गांव-गांव जाकर बूथ लेवल पर अध्यक्ष बनाकर गांव-गांव लोगों को जागरूक कर पार्टी के द्वारा जिस जिम्मेदारी को सौंपा गया है मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा। और आने वाले समय में उन्होंने कहा कि 2022 की तैयारी में जुटे हैं और पार्टी के गांव-गांव जाकर बूथ अध्यक्ष बनाकर पार्टी को एक मजबूत न्यू को तैयार कर रहे हैं और आने वाले 2022 में इन झूठे फरेबियों की सरकार से जनता को मुक्ति दिलाएंगे और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में परचम लहराएंगे। उत्थान के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से हमारे ऊपर विश्वास रखकर हमें समाजवादी पार्टी का जिले का अध्यक्ष बनाया, निश्चित रूप से हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि बूथ स्तर तक कैसे संगठन को मजबूत करें और कैसे सभी वर्गों की उसमें भागीदारी हो। अगड़े भी हो, दलित भी हो, पिछड़े भी हो, अति पिछड़े भी हो, सभी लोगों को साथ में लेकर, अल्पसंख्यकों को साथ में लेकर हम लोग संगठन बनाएंगे, बूथ स्तर तक संगठन बनाएंगे और निश्चित तौर पे 2022 में भी सरकार बनाएंगे। द्वारा आपका स्वागत किया गया है जी। मोट क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देंगे? हम पहले तो मोट के लोगों से एक निवेदन प्रार्थना करेंगे क्योंकि कोरोना जो महामारी चल रही है बड़ी बीमारी है। ये बीमारी जिस समय रोकी जा सकती थी हिंदुस्तान के अंदर उस समय रोकी नहीं गई। आखिर क्या वजह थी कि इतने दिन, आपको याद होगा 5 मार्च को पार्लियामेंट में माननीय अखिलेश यादव जी जब कह रहे थे कि ये कोरोना बीमारी अभी फ्लाइट से आई है, कहीं ऐसा ना हो बस और ट्रेन से गरीब और किसान के बीच में चली जाए, लेकिन उस समय उन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया। आखिर क्या वजह थी कि 5 मार्च से माननीय अखिलेश यादव जी जब सदन में बोल रहे थे और उसके बाद लॉकडाउन किया। तो आज के इस मौके पर हम मोट के नगर वालों से विशेष निवेदन प्रार्थना करेंगे कि जरूरी काम से ही बाहर निकले और आने वाले चुनाव में 2022 के समाजवादी पार्टी को सहयोग करें, मत करें और यहाँ से हमारे विधायक को जिताकर भेजें। निश्चित रूप से यही निवेदन और प्रार्थना करना चाहते हैं।